हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई दिलचस्प खबरें। शो के अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ खास होगा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। रेवती सम्राट से कहती है कि आलिया ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है और जैसे ही यहाँ पर सम्राट आलिया के कमरे में जाता है उसे वो पंखे से लटकी हुई मिलती है। जैसे ही रेवती यहाँ पर बताती है सम्राट को कि मोहित और ईशानी की वजह से आलिया ने सुसाइड कमिट की है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों हॉस्पिटल लेकर के आलिया को दौड़ते हैं। वहाँ डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तभी वहाँ पर ईशानी आती है और वहाँ पर नयनतारा भी होती है और वो सम्राट से पूछती है कि क्या हुआ आलिया को। सारा गुस्सा आउटबर्स्ट यहाँ पर नयनतारा पर होता है। वो कहता है कि तुम्हारे ईशानी और मोहित की वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ है, तुम देख रही हो मेरी बहन किस हालत में है। तभी नयनतारा को पता चलता है कि आलिया ने भी सुसाइड अटेम्प्ट की है। इधर पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है मोहित और ईशानी को और उनसे कहती है कि आलिया ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा तहकीकात के लिए, जिसे सुनकर ईशानी और मोहित दोनों ही शॉक में आ जाते हैं। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे यहाँ पर आलिया के हाथ में जो डेथ नोट मिला है उसमें उसने क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है, किसको उसने रिस्पॉन्सिबल बताया है अपनी सुसाइड का, ये सब कुछ देखना होगा काफ़ी सारा खास। लेकिन ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।